और आखिर में आपको छोड़ जाते हैं खास एक उपलब्धि के साथ। फ्रेंच गुआना के प्रक्षेपण केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। इसे आज देर रात 2:31 पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये इसरो के पहले केंसेट और GSAT श्रेणी के संचार उपग्रहों का उन्नत रूप है। फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से बुधवार रात भारतीय उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण किया जाएगा। एरियन 5 प्रक्षेपण यान की मदद से इसे अंतरिक्ष में तय कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। GSAT-31 इस ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ 2500 किलो क्लास। इट इज बी पुट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड इट विल बी एडिंग and supporting the communication network in India, like for example the VSAT communication, television communication, DTH operations, and specially this will have a footprint on the surrounding regions of India, like for example the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. So not only the landmass but the Ku band can reach even the oceanic region around India. इसरो के मुताबिक 2535 किलोग्राम वजनी GSAT-31 उपग्रह E-4CR की जगह लेगा और ये 15 साल तक अंतरिक्ष में अपनी सेवाएं देगा। ये अंतरिक्ष में जियो स्टेशनरी कक्षा में KU बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता को बढ़ाएगा। When you place a communication satellite in the space, that has a lifetime. It may be ranging from 10 years to 20 years. That's a kind of range that you have. So which means that you have to constantly replace the satellite that you have put earlier if you have to have continuity in services. Second, with the growing infrastructure and growing economy and India developing further, we also need new satellites so that it can provide the communication infrastructure. So this is to provide the indigenous communication technology. GSAT-31 का इस्तेमाल VSAT नेटवर्क टेलीविजन, अपलिंक्स, DTS टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर संपर्क समेत कई एप्लीकेशन में किया जाएगा। ये उपग्रह अपने ब्रॉडबैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए ब्रॉड बीम कवरेज देगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।